नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हमीरा मलिक। उत्तराखंड राज्य से एक दुखद खबर सामने आई है। बता दें कि डीडीएमओ तहरी द्वारा एसडीआरएफ को ये सूचना दी गई कि तहसील कैंडीसोल क्षेत्र अंतर्गत विटकोट गांव में एक व्यक्ति झील में डूब गया है। जिला पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा खोजबीन के बाद भी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं सूचना पर पोस्ट चलन्यासोर से एसडीआरएफ की फ्लड विशेषज्ञ टीम तत्काल घटनास्थल पहुंची। अंधेरा होने के कारण रात्रि में उक्त व्यक्ति का कुछ नहीं पता चल पाया, जिसके बाद आज सुबह फिर से एसडीआरएफ टीम द्वारा झील में डाइविंग करते हुए डूबे हुए व्यक्ति का शव बरामद कर झील के बाहर निकाला गया और राजस्व पुलिस को सुपुर्द किया गया। मृतक युवक की पहचान 33 वर्ष त्रिपन सिंह के रूप में हुई है, जो उत्तरकाशी जनपद का रहने वाला था। शव को बाहर निकालने वाली एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम में मौजूद मनोज चौहान, बलिराम शर्मा, प्रदीप सिंह, दीपक जोशी, उपनल ड्राइवर दीपक रावत मौजूद रहे। वहीं एक दूसरी खबर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां सीधी जिले से शास्त्र कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रों के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद वो जब घर गई तो उसके खून से सने कपड़े देखकर परिजनों ने पूछताछ की, जिसके बाद युवती ने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और आरोपी को गिरफ्तार करवाया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि छात्रों की पहचान फेसबुक के जरिए एक युवक से हुई। उसकी बातचीत धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती गई और पीछे बगीचे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, लेकिन अब आरोपी की धरपकड़ हो गई और पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो फिलहाल अभी की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।